हेलो एवरीवन, निशाज वंडरवर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कार्तिक महीना की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। त्योहारों की दृष्टि से भी यह महीना बहुत खास है। इस महीने में करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और देवोत्थान एकादशी समेत कई महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान तुलसी के पौधे की पूजा, दान पुण्य और विशेष उपायों से जातक के सभी संकट दूर होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। इसी महीने में अक्षया नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं, हम मनाते हैं, पूजा करते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अक्षया नवमी के दिन क्या होता है, आंवला नवमी का महत्व क्या है, कब है आंवला नवमी और आंवला नवमी पर पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे हम अक्षया नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन से ही द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन दान धर्म का अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से इसका पुण्य वर्तमान के साथ अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का निवास होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार अक्षया नवमी किस दिन पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, 21 नवंबर 2023 को अक्षया नवमी पड़ रहा है और पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:48 से दोपहर 12:07 तक। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा, तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, शास्त्र के अनुसार आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य खत्म नहीं होगा। इस दिन दान, पूजा और सेवा करने से इसका लाभ कई जन्मों तक मिलता है। इस दिन किए गए शुभ कामों का फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब कभी इसका क्षय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है, इसलिए आंवले के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने और भोजन करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण भी करते हैं। फ्रेंड्स, सब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, इस दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के नीचे जाएं, उसके आसपास की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करने चाहिए। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध, गाय का दूध होना चाहिए, डालते हैं। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे कि धूप, बत्ती, चंदन, रोड़ी, रोली, कपूर आदि जला करके पूजा करते हैं। फूलमाला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटते हैं। कुछ जगह पर यह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार और मित्रों के सहित भोजन किया करते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमें सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति का वरदान देती हैं। व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन मंगलमय बना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से अक्षया नवमी और आंवला नवमी के बारे में कोशिश किया है कि आपको संपूर्ण बातें बता सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।